हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकल एटेक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। लोकल एटेक्शन क्या होता है, फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, इससे पहले हमने वीडियो में अलग अलग वीडियो इसके लिए हमने बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख लें। मैं यहाँ पर एक बार आपको समराइज कर देता हूँ कि लोकल एटेक्शन क्या होता है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। देखिए, जब हम कंपास सर्वे करते हैं किसी फील्ड में, कंपास सर्वे करने जाते हैं किसी फील्ड में, सपोज ये हमारा कंपास है, तो इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है। यह मैग्नेटिक नीडल जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं, इसके आसपास में कोई स्टील का स्ट्रक्चर हो या फिर आयरन और हो, लोहे की कोई सामान हो, तो ये नीडल जो है लोहे से मैग्नेट है चूँकि, तो लोहे की तरफ में आकर्षण रखती है। ठीक है, तो इसके वजह से सुई जो है, मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ना रह के थोड़ी बहुत विचलन आ जाता है इसमें, जिससे कि रीडिंग जो होता है वो इनकरेक्ट आता है। तो इस रीजन को, जिसके वजह से रीडिंग इनकरेक्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है मैग्नेटिक नीडल, उसको लोकल एट्रैक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं पता कैसे चलेगा कि लोकल एट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें एक ही लाइन से, जिस लाइन का हम रीडिंग ले रहे होते हैं, उसका हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही मेजर करना पड़ता है। अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग दोनों का अगर डिफरेंस 180 के बराबर आ जाता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई लोकल एट्रैक्शन नहीं है। अगर ये 180 से ज़्यादा या कम आ जाता है तो कहते हैं कि वहाँ पर हमारा लोकल एट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोकल एट्रैक्शन कहाँ है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होता है। तो जब किसी लाइन से हमको एंगल मेजर करना होता है, सपोज हमारा कोई स्टार्टिंग स्टेशन है, यहाँ से हमारा ये सर्वे का डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और हमारा कहीं बेंचमार्क यहाँ पर है, बेंचमार्क है, तो पहला जो हम ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पर, जहाँ पर स्टेबल किए हैं, और यहाँ से जो हम रीडिंग लेना शुरू किए, तो सर्वे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रीडिंग हम यूज करते हैं उसको फोर बियरिंग कहते हैं। ठीक है, और जो फॉरवर्ड जो हम बैक बियरिंग हम लोग जो यूज करेंगे बैक डायरेक्शन में, जो कि बेंचमार्क पर रीडिंग ली जाती है, उसको कहा जाता है बैक बियरिंग। ठीक है, उसको कहा जाता है फोर बियरिंग। कहाँ? सर्वे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी स्टेशन पर पहली रीडिंग बैक बियरिंग की ली जाती है, मतलब जहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे, जहाँ इंस्ट्रूमेंट को हम रखेंगे, तो पहला रीडिंग जो बेंचमार्क का हम लोग रीडिंग लेते हैं वो होता है बैक बियरिंग का, एंड जो आगे का डायरेक्शन है उसको हम लोग फोर बियरिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको देखना हो तो उसमें जा करके देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि लोकल एक्टेशन को कैसे हम, लोकल एक्टेशन पता तो चल गया कि लोकल एक्टेशन है, कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन ए बी है, बी सी है, सी डी डी ई है, उस पर फोर बियरिंग की वैल्यू ली गई है, बैक बियरिंग की वैल्यू लिया गया है। तो ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट किया गया है, ये आप खुद भी, आप सर्वे करने अगर जाते हैं तो ये वैल्यू आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह का कॉलम बनाना होगा। ये कॉलम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। देखिए, इस कॉलम में हमने सेम ऊपर वाला चीज़ ही लिखा हुआ है, लाइन जो ए बी बी सी सी डी ई डी ई और ई ए दिया हुआ है, इसके फोर बियरिंग की वैल्यू भी हमने सेम रखा हुआ है, बैक बियरिंग भी यहाँ पर आपको सेम ही दिखेगा जो कि ऊपर में दिया हुआ है। करना क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कहाँ पर कितना है, डिफरेंस कहाँ पर कितना है, मीन्स ये कि हमें पता करना होगा कि लोकल एट्रैक्शन कहाँ है और कहाँ पर नहीं है। हमने क्या बताया कि लोकल एट्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कि जब कभी भी डिफरेंस आपका बैक बियरिंग और फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 अगर एक्यूरेट 180 आता है, मतलब उस प्लेस पर लोकल एट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर यही डिफरेंस आपका 180 से ज़्यादा या 180 से कम आता है तो वहाँ पर लोकल एट्रैक्शन है। तो हम डिफरेंस किए 191 डिग्री 45 मिनट में से घटाए 13 डिग्री को, तो देखिए 178 डिग्री 45 मिनट आ रहा है, मतलब ये 180 नहीं है, तो यहाँ पर लोकल एट्रैक्शन है। ठीक है, सिमिलरली हम 39 में से माइनस किए 222 डिग्री को, तो यहाँ पर -183 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ भी लोकल एट्रैक्शन की यहाँ पर भी है। ठीक है, सिमिलरली तीसरे में भी लोकल एट्रैक्शन दिखा है। चौथा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें कोई लोकल एट्रैक्शन नहीं दिखा, चौथा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें लोकल एट्रैक्शन नहीं दिखा, मतलब डी ई ऐसा पॉइंट है कि 242 डिग्री 45 मिनट में से 62 डिग्री 45 मिनट घटाए तो यहाँ पर एक्यूरेट 180 डिग्री की वैल्यू आई, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नो लोकल एट्रैक्शन। तो करना क्या है, सपोज ये सबसे पहले पांच कॉलम बनाना है जिसमें लाइन मेंशन होगा, फोर बियरिंग बैक बियरिंग की वैल्यू मेंशन होगी, डिफरेंस कितना आ रहा है वो डिफरेंस लिखेंगे, और यहाँ पर रिमार्क्स में लिखेंगे कि जहाँ पर आपका क्या रिमार्क्स की वैल्यू दे रखा है।
ठीक है, अगर लोकल इलेक्ट्रेशन है तो लिखेंगे येस लोकल इलेक्ट्रेशन, देयर इज लोकल इलेक्ट्रेशन, देयर इज लोकल इलेक्ट्रेशन, और यहाँ पर नहीं है तो लिखेंगे नो लोकल इलेक्ट्रेशन, अगेन भी नो लोकल इलेक्ट्रेशन है। मतलब इससे क्या मालूम चला कि स्टेशन डी और स्टेशन ई दोनों ही फ्री है लोकल इलेक्ट्रेशन से। मतलब कि ये जो ए बी सी डी लाइन जो देख रहे हैं, ये ए बी सी डी लाइन क्या है, ये ए बी सी डी लाइन किसी ट्रावर्स का है। सपोज यहाँ पर के पास ये इस तरह का ट्रावर्स है, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, तो ए बी सी डी क्या है, ये स्टेशन है, स्टेशन ए बी सी डी ई सभी स्टेशन है। तो इस स्टेशन में स्टेशन डी और स्टेशन ई जो है लोकल इलेक्ट्रेशन से फ्री है, बाकी कोई भी स्टेशन लोकल इलेक्ट्रेशन से फ्री नहीं है। ये हमको मालूम कब चला, जब हमने ये चेक लगाया। कौन सा चेक लगाया, तो फोर बियरिंग को घटाया हमने बैक बियरिंग से। ये अगर 180 के बराबर आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 180 के बराबर अगर आ जाता है तो हमारा लोकल इलेक्ट्रेशन से फ्री है, ठीक है, लोकल इलेक्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। अगर कम या ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पर लोकल इलेक्ट्रेशन है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए उसके बाद क्या किए हमने, लिखा यहाँ पे कि डी और ई क्या स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल इलेक्ट्रेशन। मतलब डी और ई जो जो भी रीडिंग दिया हुआ है, डी पर जो फोर बियरिंग की वैल्यू होगी, ई पर जो बैक बियरिंग की वैल्यू होगी, वो लोकल इलेक्ट्रेशन से फ्री होगा। उसमें कुछ भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज डी और ई हमारे पास फ्री हो गया, अब हमें जहाँ से ये फ्री हमें मिले, जहाँ पर ये 180 डिग्री मिलेगा, उसके नीचे से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, डी ई के बाद हमारा कौन सा लाइन है, ई ए, ई ए लाइन है। ई ए मतलब स्टेशन ई और स्टेशन ए। हमने अभी बताया कि स्टेशन डी और स्टेशन ई लोकल इलेक्ट्रेशन से फ्री है, वहाँ पर कोई लोकल इलेक्ट्रेशन नहीं है। मतलब स्टेशन डी हमारा सही है, सॉरी स्टेशन ई भी सही है, दोनों ही स्टेशन सही है। तब लास्ट नेक्स्ट हमारा जो लाइन है ई ए, ई ए में कहता है कि फोर बियरिंग इतनी है, बैक बियरिंग इतनी है, तो क्या ये दोनों सही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए डी और ई दोनों ही फ्री है लोकल इलेक्ट्रेशन से, मतलब ई हमारा करेक्ट है। मतलब कि ई की वैल्यू जो आ रही है, ई ए का जो फोर बियरिंग होगा 330 डिग्री 15 मिनट, इसमें से 180 घटाने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा होना चाहिए बैक बियरिंग। क्या होना चाहिए कि इस वैल्यू में से 180 घटाएंगे 330 डिग्री 15 मिनट में, तो 180 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे हैं 180, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि हमारा जो ई ए लाइन है वो अभी फ्री है कि नहीं है। तो ई तो हम जानते हैं कि ई सही है, तो ई में से हमको कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही हम 330 डिग्री 15 मिनट में से 180 को माइनस किए यहाँ से, तो माइनस किए तो देखें कि ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 150 डिग्री 15 मिनट, लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं 147 डिग्री 45 मिनट, लेकिन हमको ऑब्जर्व क्या मिला, बट ऑब्जर्व्ड बियरिंग 147 डिग्री 45 मिनट। मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर करेक्शन अप्लाई करना होगा। कौन सा करेक्शन अप्लाई करना होगा कि 150 डिग्री 15 मिनट हमें वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है 147 डिग्री 45 मिनट का। तो इसमें से जब हम वैल्यू घटाएं तो हमें मिला क्या, करेक्शन मिला है प्लस 2 डिग्री 30 मिनट का। मतलब यहाँ पर हमें चाहिए 150 डिग्री 15 मिनट, लेकिन है कितना, 147 डिग्री 45 मिनट। मतलब इसमें क्या करना होगा, वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो हम करेक्शन लिखेंगे, प्लस 2 डिग्री 30 मिनट का हमारा करेक्शन यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये 2 डिग्री 30 मिनट का हमने ऐड कर दिया, और यहाँ वैल्यू जो होगा 147 डिग्री 45 मिनट के बजाय क्या होगा, 150 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ध्यान से समझते रहेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन होगा हमें आप बताइए, मैसेज करके हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा, अब हमारा देखिए ई ए हमारा सही हो गया, ई की वैल्यू हमारी आ गई 330 डिग्री 15 मिनट, और ए की वैल्यू जो आएगी फोर बियरिंग में, ये हमारा आ गया 150 डिग्री 15 मिनट। अब हमारा जो नेक्स्ट लाइन था ई ए के बाद, अब लाइन यहाँ पर क्या नीचे है, कोई नहीं है। मतलब अब हम ऊपर की तरफ में मूव करेंगे, अब आएंगे क्या ए बी लाइन के लिए। तो ए बी लाइन में हमारा फोर बियरिंग है 191 डिग्री 45 मिनट, बैक बियरिंग है 13 डिग्री। मतलब हमारे पास में ए को तो हमने यहाँ सही कर लिया, ए में क्या किए, यहाँ पर जोड़े थे ए के लिए, ए के लिए हमने जोड़ा था 2 डिग्री 30 मिनट ऐड किए थे यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ए से ही रीडिंग है, अलग अलग लाइन के लिए रीडिंग था, ये ई की तरफ के लिए था, ये बी के तरफ के लिए था, तो दोनों ही अगर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी हमको ऐड करना पड़ेगा, तो जो क्योंकि दोनों ही ए का ही रीडिंग है। तो स्टेशन ए पर हमने क्या किया कि स्टेशन ए के लिए हमने जोड़ा, देखिए फोर बियरिंग है ए का 191 डिग्री 45 मिनट जो कि ऑब्जर्व किए थे, लेकिन हमको करेक्शन कितना करना था, 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन करना था, तो हमने वहाँ करेक्शन किया, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गया 194 डिग्री 15 मिनट जो कि करेक्टेड है।
तो अब ये करेक्टेड है। करेक्टेड है का मतलब जब इसमें से 180 घटाएंगे तो उतना बैक बियरिंग आना चाहिए जो कि स्टेशन बी पर आता है। तो इसका बैक बियरिंग के लिए 180 घटाए जब, तो हमारे पास वैल्यू है 14 डिग्री 15 मिनट का। हमारे पास जो वैल्यू निकल गया है सामने वो है 14 डिग्री 15 मिनट का। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू था वो 13 डिग्री ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 191 डिग्री 45 मिनट वैल्यू है, इसमें हमने ऐड किया 2 डिग्री 30 मिनट, तो आ गया 193 डिग्री 15 मिनट का। और उसमें जब 180 डिग्री घटाए तो हमारे पास यहाँ पर 13 डिग्री आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, आना चाहिए हमारे पास 14 डिग्री 15 मिनट का। 14 डिग्री 15 मिनट वैल्यू आना चाहिए और आ कितना रहा है, आ रहा है हमारे पास 13 डिग्री का ही वैल्यू। मतलब ये कि यहाँ पर हमें चाहिए 14 15, हमें 14 डिग्री 15 मिनट, लेकिन आ रहा है 13 डिग्री का। मतलब इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कहाँ ऐड कर रहे हैं, तो बी स्टेशन पर हम ऐड कर रहे हैं। आना चाहिए 14 डिग्री 15 मिनट, लेकिन है यहाँ पर 13 डिग्री, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं 13 डिग्री। मतलब यहाँ भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 1 डिग्री 15 मिनट को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब सिमिलरली चूंकि हम बी में ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी बी स्टेशन का ही रीडिंग है, इसमें भी ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा नेक्स्ट में, वहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर बैक बियरिंग है, फोर बियरिंग है बीसी का फोर बियरिंग है 39 डिग्री 30 मिनट, इसमें हमने ऐड किया 1 डिग्री 15 मिनट, तो बन गया 40 डिग्री 45 मिनट। अच्छा एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि अगर वैल्यू आपके सामने फोर बियरिंग का 180 से ज़्यादा है तो 180 उसमें घटाते हैं, लेकिन 180 से कम है तो 180 उसमें जोड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फोर बियरिंग की वैल्यू 180 से कम है तो 180 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इस केस में 180 से वैल्यू ये कम है, 40 डिग्री 45 मिनट है, तो यहाँ पर 180 को जोड़ना पड़ता है। लेकिन यही 180 से अगर ज़्यादा है तो उसमें से 180 घटाएंगे तब हमें बैक बियरिंग मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 के डिग्री के बराबर में आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 180 से कम है तो 180 ऐड करेंगे, अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 उसमें हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या किए कि हमारे पास फोर बियरिंग जो ऑब्जर्व किए थे, जो देख रहे थे, जो रीडिंग हमें मिला था वो 39 डिग्री 30 मिनट का था, उसमें हमने ऐड किया 1 डिग्री 15 मिनट को, और जो वैल्यू है 40 डिग्री 45 मिनट, ये 180 से कम है, तो इसमें हम क्या किए 180 को जोड़े, तो हमारे पास वैल्यू आया 220 डिग्री 45 मिनट का। लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वहाँ देख रहे हैं, वो हमारे पास वैल्यू था 222 डिग्री 30 मिनट का। आप पिछले वाला में चलेंगे देखेंगे वहाँ पर 222 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 220 डिग्री 45 मिनट। मतलब ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे, 220 चाहिए, हमें दिया कितना है 222, तो कितना घटाएंगे, 1 डिग्री 45 मिनट को घटाएंगे वहाँ से। तो वहाँ से घटाएं, तो घटाने के बाद हमें जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मिला 220 डिग्री 45 मिनट का। अब ये जो घटाने की प्रक्रिया है, जैसे कि हमने इसको घटाया, तो घटाते हैं तो एक तरफ से घटाने नहीं, दोनों ही, मतलब कि जो स्टेशन अप्लाई हो रहा है वो दोनों पर अप्लाई होगा। मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर ई में सही था, ए में जोड़े थे 2 डिग्री 30 मिनट का, यहाँ भी ए में जोड़ेंगे, यहाँ बी में जोड़े थे तो यहाँ भी बी में जोड़ेंगे, यहाँ सी में घटाए हैं तो यहाँ भी सी स्टेशन की वैल्यू यहाँ भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, चूँकि सी दो बार आ रहा है, बी दो बार आ रहा है, सभी चीज़ें दो दो बार आएंगी, तो जहाँ भी जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया होगी वो सेम होगा सभी स्टेशन पे। अगर सी पर घट रहा है तो दूसरे वाले में भी सी पर भी घटेगा, वहाँ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तब दूसरे जो स्टेशन है हमारे पास सीडी, ठीक है, सीडी स्टेशन के लिए फोर बियरिंग हमारा दिया हुआ है 22 डिग्री 15 मिनट का, चूंकि हम घटाए हैं 1 डिग्री 45 मिनट को, यहाँ भी हम घटाएंगे तो मिलेगा 20 डिग्री 30 मिनट। अब अगेन ये क्या है, 180 से कम है, तो 180 से कम है तो इसमें 180 जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 डिग्री 30 मिनट, तो और 200 डिग्री 30 मिनट, अब देखिए यहाँ पर 200 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है, तो सीडी में जब हम यहाँ पर वैल्यू को घटाएं तो 200 डिग्री 30 मिनट यहाँ वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये कि अब हमारे पास जो वैल्यू है वो करेक्ट हो चुका है। मतलब जब भी आप इस तरह की प्रक्रिया करेंगे, जब भी इस तरह का प्रोसीजर करेंगे, तब आपको लास्ट में जहाँ पर भी ये करेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों सेम आ जाए, मतलब आपका वहाँ पर कैलकुलेशन समाप्त हो गया है। मतलब अब जो आपकी वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो चुकी है। देखिए सारे वैल्यूज़ को वैल्यू टैली कर गया विद ऑब्जर्व बियरिंग एंड बैक बियरिंग दोनों के, सीडी के लिए जो है उसमें आपका टैली कर चुका है। तो स्टेशन डी हमारा फ्री है लोकल स्टेशन से। हमारे पास जो पहले का लाइन दिया हुआ था फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो ऑब्जर्व्ड था
वो ऑब्जर्व को हमने यहाँ पर लिखा है। ये आपका क्वेश्चन ही था, ये तीनों लाइन का क्वेश्चन ही था। इसमें क्या क्या किया समराइज करते हैं, यहाँ पर समराइज में स्टेशन हमारा डी जो था 0 डिग्री था, मतलब कि दोनों में डिफरेंस डिफरेंस हमने देखा। तो डिफरेंस हमारा डी क्या था, फ्री फ्रॉम लोकल एक्सटेंशन, तो लोकल एक्सटेंशन फ्री था। तो हमने यहाँ पर देखा डी और ई दोनों ही करेक्ट स्टेशन है। हमें करेक्शन कहाँ करना था, ए में करना था। तो ए में करेक्शन किया कितना, 2 डिग्री 30 मिनट पे ए पे हमने करेक्शन किया था। 1 डिग्री 45 15 मिनट का बी पे करेक्शन किया था। 1 डिग्री 45 मिनट एट सी पर करेक्शन किया था। ठीक है, तो करेक्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू मिला वो कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास सामने आई। मतलब अब ये वो वैल्यू है, अब यहाँ से किसी को भी आप माइनस करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा सामने। मतलब कि अब ये चीज़ें जो है वो फ्री हो गई है लोकल एक्सटेंशन से। अब इन किसी भी स्टेशन में लोकल एक्सटेंशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोकल एक्सटेंशन वह प्रोसेस होता है, वह रीजन होता है जहाँ पर चुंबकीय सुई किसी चीज़ के होने की वजह से चुंबक, जैसे कि मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्ट होता है आयरन की तरफ में, मैग्नेटिज्म की तरफ में। तो अगर इस चीज़ को कोई भी वस्तु वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पर वो रीडिंग जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, रीडिंग्स हमारी करेक्ट नहीं आती है। और हमें पता कैसे चलेगा कि रीडिंग हमारी करेक्ट नहीं आई है, तो एक ही जगह से 2 रीडिंग हमें लेना होता है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। अगर उन दोनों का रीडिंग का वैल्यू 180, अगर दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है तो मतलब हमारा लोकल एक्सटेंशन से फ्री है। अगर 180 नहीं आ रहा है तो वो लोकल एक्सटेंशन से फ्री नहीं है। 180 ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को, अगर स्ट्रेट लाइन को सही है, इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये एंगल 180 से कम है तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, 180 से ज़्यादा है फिर भी ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो इसीलिए इसको हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और लोकल एक्सटेंशन पर बेस आप कहीं से भी क्वेश्चन मिलता आप ज़रूर बनाइए, और नहीं कुछ समझ में आता तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो और बनाने के लिए, और एग्जांपल लेकर के आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।